नमस्कार, आप देख रहे हैं UP 78 इंडिया न्यूज़। आइए बात करता हूँ आज की प्रमुख खबरों की। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, एट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम समोई में पुलिस अधीक्षक ई राज ने की जन चौपाल के दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि सारा सब बारात होली के त्यौहार को बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से मनाएंगे, क्योंकि होली में जुआ सट्टा इत्यादि बहुत ज़्यादा खेला जाता है। अगर यह सब आपके घर के निकट या फिर पूरे मोहल्ले में कहीं भी खेला जाता है तो आप तत्काल हमको सूचना दें और इसके ऊपर विविध कार्रवाई तत्काल की जाएगी। और कोई भी शराब का सेवन ना करें, क्योंकि शराब में अल्कोहल मिक्स करी जाती है। इन सब जानकारियों के लिए उन्होंने पूरे ग्रामवासियों को सूचित किया था और उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि होली को लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार बहुत ही ज़्यादा अलर्ट पे है। जहां पर हमारे चैनल के तेज़तर्रार रिपोर्टर देवेंद्र कुमार जी ने अपनी खास कवरेज करी। देखिए UP 78 इंडिया न्यूज़ पे देवेंद्र कुमार जी की खास रिपोर्ट। ऐसी ताज़ा अहम खबरों के लिए बने रहिए UP 78 इंडिया न्यूज़ के साथ। आज ये जो मैं आया हूँ आपके गांव में, ये आज पहली बार आया हूँ, लेकिन हम लोग लगातार आपके गांव में आते रहेंगे। ये हम लोगों ने होली को देखते हुए आगामी एक परमानेंट हम लोग का ये रहेगा कि इस चौक मेरे स्तर तक हम सभी लोग आपके गांव में आके, सभी ग्रामों में आके जनसंवाद हम आपसे करेंगे और आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। जान पहचान बढ़े, एक दूसरे का चेहरा देखने से और जो दूरी होती है वो कम होती है। कई बार आप लोग हिचकिचाते हैं, कोई भी व्यक्ति थोड़ा हिचकिचाता है कि पुलिस के पास जाने से, लेकिन मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम आपके पास आए हैं तो उसका मतलब ये है कि आप भी हमारे पास किसी भी क्षण किसी भी समय आ सकते हैं अपनी कोई भी समस्या लेके, और उसका समस्या का निदान करना, समस्या का निस्तारण करना, ये हम लोग की जिम्मेदारी है। इसी कारण से हम ये नौकरी कर रहे हैं। हमें ये नौकरी कोई गाड़ी में घूमने के लिए या एसी में बैठने के लिए नहीं मिली है। ये नौकरी इसीलिए मिली है क्योंकि आप सभी लोग हैं, आप सभी लोगों के हम लोग काम आ सकें, आप लोग की समस्या को निस्तारण कर सकें, इस कारण से हमें ये नौकरी सरकार ने दी है। और ये नौकरी करने के लिए हम सभी लोग आपके लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है कि आपकी हर समस्या का हम लोग समाधान करेंगे। तो इसीलिए बिल्कुल चौकी स्तर से लेके ये मीटिंग की जा रही है और बारात अभी आना। आप सब लोग गांव के लोग हैं, सभी लोग जानते हैं कि कौन कौन बदमाश प्रवृत्ति के आपके गांव में लोग हैं और कौन कौन ऐसे हैं झगड़ालू किस्म के हैं, या कौन है जुआ सट्टा कराते हैं या करते हैं, जुआ खेलते हैं, शराब गांजे का काम करते हैं, अवैध शराब का काम करते हैं, ये सब आप लोग जानते हैं। कि सबसे अच्छा जो कोई अगर जानता है तो गांव वालों के अलावा कोई और नहीं जान सकता है कि कहां पर क्या। तो इसी कारण से हम लोग आपके पास आए हैं कि आपके माध्यम से हमें जानकारियां मिलना शुरू हो, जो भी गलत काम करने वाले लोग बनेगा, ताकि भविष्य में कोई ऐसी गलती कोई बदमाशी करने का ना सोचे। तो आप लोग के माध्यम से एक तो हमें ये सूचनाएं मिले, दूसरा आप सभी लोग कोई छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा है विवाद है सब आपको जानकारी है। अभी हाल फिलहाल अगर हम देखें किन किन लोगों के बीच में झगड़े हुए विवाद हुए, छोटे मोटे मैटर पे होते हैं, कहीं नाली को लेके हो गया, कहीं मेड़ को लेके हो गया, किसी ने दरवाजा वहां खोल दिया, उसने दरवाजा वहां खोल दिया, अधिकतर इसमें ऐसे विवाद है जो कि आप लोग गांव में बैठ के भी इसको सुलझा सकते हो। जो गांव के वरिष्ठ जन है बुजुर्ग है, आराम से अगर बैठाएंगे दोनों पक्षों को तो अधिकतर ऐसे विवाद सुलझ जाते हैं। क्योंकि इसमें मेरा कहना यह है कि अगर ये विवाद, देखिए थाना दिवस तहसील दिवस भी होता है, वहां पर भी आप इन विवादों को ला सकते हैं, वहां जाते हैं, फाइल हो जाते हैं, आंखें चली जाती हैं, लाइन में सुलझाती है,